શક્તિ મારા નયનો ઠરે છે, નયનો ઠરે છે. રોમે રોમ મારા પુલકિત બને છે, પુલકિત બને. વાલા આદિનાથ મેં તો પકડ્યો તારો હાથ, મને દે. हेलो दोस्तों, तो अभी हमारे यहाँ सामग्री है और ये ताश का ट्रेलर लाया है, क्योंकि हम लोग के रहने की जगह पर बहुत अभी बड़े बड़े पत्थर आ गए थे, तो ताश डाल देंगे तो फिर से क्लीन जगह और हमारे बफेले को ये बड़े बड़े पत्थर बैठने पर लगे ना. ये ताश हम गुजराती में कहते हैं. अभी तो ये ताश का ट्रैक्टर आया है, तो ये ताश सब में डाल देंगे. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. अभी सुबह सुबह के 8 बजने में 5 मिनट कम है अभी तो दोस्तों. तो अभी कल रात को दोस्तों ताश के ट्रैक्टर आए थे, वो भी वीडियो बनाए, साथ में ऐड कर देंगे. स्वप्ना बहन अभी सो रहे हैं. तो ताश के एक ट्रैक्टर यहाँ पर डाला है और एक ट्रेलर हमारी बफेलो की रहने की जगह पर डाल दिया है. तो अभी बफेलो को भी नया नया लग रहा है. अभी वो नीचे देख रही है, सूंघ रही है और ठेकड़ा भी मार रही है. पापा जी पापा बफेलो को पानी पिला रहे हैं. तो ये बफेलो के लिए डालना जरूरी था क्योंकि उस पर पत्थर आ गए थे. जो सदा साथ हो महाराज, हो आव तुम पास लई मुख थी आश, मने करशो निराश. तो दोस्तों सुबह से ही काम स्टार्ट कर दिया है. कल जो हम गाजर लाए थे उसके चिराड़िया बना दिए थे, कल रात को उसके वीडियो भी बना दिया. और अभी उसके चिराड़िया बनाकर उसके क्या करेंगे, तो संगीता लेकर बैठ गई है. क्या करने वाली है अभी? दोस्तों अभी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं. शोभना बहन संगीता दोनों अपना खटिया लेकर जा रहे हैं. शोभना बहन अभी तक बाहर सो रहे थे, इसलिए हमारे बाप भी यहाँ पर बैठे हैं. जोन भाई और बात दोनों ही बैठे रहते हैं. मैं वीडियो बनाने लगता हूँ तभी हंसने लगते हैं, ये क्या कर रहा है. यहाँ पर मम्मी जी खड़े हैं, वहाँ पर अभी तक पापा ने सभी कल रात को लाई थी सभी फैला दी है. थे सब ताश का काम कर दिया है, अकेले थोड़ी सी बची है. तो अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ, कल से गाजर चल रहे हैं. तो गाजर के चिराड़िये नमक वाले पानी से भिगो दिए थे पूरी रात तक. अभी मैं उसे छत पर सुखाने जा रहा हूँ. तो ये चिड़ी को यहाँ पर रख दिया है. हम तो इस गुजराती में इसको निसरणी कहते हैं. गुजराती हमारा शब्द कैसे कैसे होते है, निसरणी. तो ये मस्त कर दिया, बफेले को रहने की जगह मस्त हो जाएगी. यहाँ पर शोभना और मम्मी जी दोनों हमारे बफेले को क्लीन कर रहे है. शोभना बहन को अभी काम हार्ड वर्क हो गया है सपना बहन के लिए. तो दोस्तों अभी छत पर आ गया हूँ. यहाँ पर हमारे जो ट्रीज के फूल है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं. दोस्तों ये संगीता गाजर के चिराड़िया लेकर आ रही है, सपना बहन भी आ रहे हैं. तो दोस्तों आप देख सकते हो आज तो बारिश वाला मौसम हो गया है, बहुत बादल वाला मौसम हो गया है. सोमना बहन यहाँ पर नारियली में है, नारियली के पत्ते का शो भी मस्त आ रहा है. यहाँ से मैंने
कभी वीडियो नहीं बनाया, आज ही वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा दिखता है दोस्तों हमारे घर का यहाँ से लोकेशन। तारा दर्शन थी मारा, नयनो ठरे छे, नयनो ठरे छे, रोमे रोम मारा, पुल कित बने छे, पुल कित बने। तो दोस्तों सभी ने काम कर लिया, अब मैं काम कर रहा हूँ, इतना कर दिया है। अभी ये फिट कर देंगे तो मॉनसून के टाइम पर हमारे उपयोग आएगी, इसलिए यहाँ पर ये आगे से। तो दोस्तों अभी दोपहर हो चुका है, 1:04 हुई है। तो समर के टाइम पर बहुत हर रोज धूप होती थी, आज दोस्तों धूप नहीं है और बादल छा गए हैं, तो पूरी तरीके से साव है दोस्तों, देख सकते हो। तो दोस्तों आप देखिए बहुत साव है और मस्त वातावरण है अभी, तो शांति वाला। यहाँ पर बर्तन मांजे जा रहे हैं और दोस्तों देखिए अभी 2-3 दिन तक की आगाही है बारिश आने की, इसलिए ऐसा मौसम हो गया। हेलो दोस्तों, तो अभी 3:51 हुई है, तो अभी बारिश शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी बारिश आई है। और शोभना बहन वहाँ पर जा रहे हैं, हमने सुबह पर जो गाजर की चिराड़िया रखे थे उसको लेने के लिए आए, उसका कोई बात नहीं, पर ये हमारा चारा बाहर है बफेलो का सभी। तो अभी बारिश आने लगी तो उस पर कागज ढकना पड़ेगा, ये सभी चारा भीग जाएगा, तो खाने के लायक नहीं रहेगा हमारे बफेलो के लिए। शोभना बहन वो लेकर आ रही है, सभी बफेलो को बाहर बांध दिया है और बारिश में भीगने के लिए बहुत मजा आता है। आप गोरी और मंगू को देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप कागज बागज ढक दिया है ननकड़ी मोटवी पर, ये कागज ढकने से रहेगा नहीं, बारिश आए या ना आए। ये सही से कटके बटके रखने से नहीं, चले जाएंगे सभी बारिश आने पर, पानी नहीं रुकेगा, जाएगा ही जाएगा। अभी दोस्तों मौसम तो मस्त लग रहा है, पर एक कम मौसमी बारिश है, तो ये सब बिगड़ जाएंगे, इसलिए कम मौसमी बारिश नहीं बरसने जाइए। दोस्तों हमारे यहाँ छोटा सा बच्चा आया है चकली का, चिड़िया का, तब देखिए मस्त क्यूट सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पंख में लग गया है शायद, दोस्तों इसकी पंख में लग गया है, यहाँ पर लगा है। तो दोस्तों आज तो पूरा दिन वर्क किया और बारिश वाला मौसम भी था, और दोस्तों आज एडिटिंग करने में लेट हो गया हूँ। अभी 12:30 हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आज तो बहुत लेट एडिटिंग हुआ है और बहुत वीडियो बड़ा था, इसलिए मेहनत भी बहुत लगी है, छोटा वीडियो किया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ, बाय दोस्तों, जय माता जी।